नमस्कार दोस्तों, इंफोटेनमेंट बेंगलोर में आपका स्वागत है। हम आज विश्लेषण करेंगे कि मंडे का मार्केट कैसा रहा और फ्राइडे का मार्केट कैसा रहा। मंडे क्या मूवमेंट हो सकता है उसके बारे में हम सोच के आज ये वीडियो बना देते हैं। थर्सडे आप देख सकते हैं थोड़ा साल का गैप अप के साथ मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चला गया, ज्यादातर राउंड रेंज बाउंड निकला कि डे लो को भी ब्रेक करने को सफल नहीं रहा। उसके बाद एक ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे और ब्रेकआउट के बाद फिर से एक कंसोलिडेशन फेस में मार्केट रहा। फ्राइडे के दिन में थोड़ा सा गैप अप ओपन होके थोड़ा नीचे आ गया, पी वालों को ट्रैप करके फिर से मार्केट ऊपर उठा गया। उसके बाद मार्केट फिर से कंटिन्यूस एक फॉल मार दिया। ओके, उसके बाद एक कंसोलिडेशन में चला गया है। आखिरी मिनट में थोड़ा बाइंग आया है बैंक निफ्टी का चार्ट में। सो थर्सडे एक्सपायरी 00 कॉल बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन पूरा दिन ये रेंज बाउंड अटक के यहाँ पे बहुत लोगों को फंसाया है, प्रीमियम एरोजन करके उसका मार्केट से बाहर निकाल दिया है। सो दिस इज व्हाट द मूवमेंट ऑफ मार्केट। ओके, फ्राइडे में क्या हुआ है ये मार्केट में, बैंक निफ्टी का ये हाल है। ओके, फ्राइडे में एक गैप डाउन करके ऊपर लेके फिर से निकल नीचे उसको दबा दिया गया है। इट हैज बीन ट्रैप काइंड ऑफ मार्केट, बुल ट्रैप एंड बेयर ट्रैप, दोनों करके मार्केट नीचे एक कंसोलिडेशन फेस में बंद हुआ है। ऑप्शन चेन में हम क्या देख सकते हैं, देखते हैं ऑप्शन चेन में जाके बैंक निफ्टी का क्या हाल है, चेक कर सकते हैं। लेट अस गो टू ऑप्शन चेन इन बैंक निफ्टी एंड वी सी व्हाट इज द बिल्डअप फॉर टुमारो, कल के लिए क्या बिल्डअप है बैंक निफ्टी में, ये हम देख लेंगे। इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में क्या क्या बिल्डअप हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। 35,291 में क्लोज हुआ है, तो 35,300 एट द मनी होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुट रेटिंग बिल्कुल ज्यादा नहीं हुआ है। ओके, कल का ओपनिंग अच्छा रहना चाहिए बैंक निफ्टी के लिए। सो 35,000 एक स्ट्रांग सपोर्ट माना जाता है, 11,000 ओपन इंटरेस्ट चेंज के मुताबिक। 35,400 में थोड़ा 11,154 बिल्डअप है, उसके बाद स्ट्रांग रेजिस्टेंस 35,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल रहता है हमेशा, 35,500, 36,000 ऐसा। सो दिस साइकोलॉजिकल लेवल शुड बी ब्रोकन बाय एनी मींस। 35,500 इज अ वेरी स्ट्रांग रेजिस्टेंस, इफ मार्केट ओपन्स अबोव दिस डायरेक्टली देन इट इज अ फर्दर गुड मूव अप टिल 36,000, यू कैन सी अ वेरी गुड मूव। बिकॉज गैप अप होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे ज्यादा सारा लोग अनवाइंडिंग कर देते हैं कॉल राइटिंग में, जो कॉल राइटिंग किया होता है कि मार्केट के ऊपर रेजिस्टेंस डाला रहता है वो निकल जाता है, पुट रेटिंग यहाँ पे बढ़ सकता है। सो दैट कैन बी द सिनेरियो इफ देर इज अ गैप अप ओपन एंड मार्केट सस्टेन अबाउट 35,500 फॉर एटलीस्ट 10 to 15 minutes, देन योर मार्केट विल बी बुलिश वंस अगेन। ओके, लेकिन यहाँ पर 35,500 में 44,000 या 45,000 आप कह सकते हैं करीब करीब का ज़्यादा बिल्डअप हुआ है, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। डेटा ये हमेशा फास्ट से चेंज होता रहता है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान दे के वर्क कीजिए। उसके बाद हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट में। निफ्टी का चार्ट में क्या हुआ फ्राइडे के हाल, आप देख सकते हैं निफ्टी एकदम फ्राइडे में रेंज में फंस गया था, ऊपर नीचे जरूर किया लेकिन ज़्यादा मूवमेंट प्रीमियम में नहीं हुआ। ओके, सो यहाँ पे देखता है एक्सपायरी के दिन भी निफ्टी बहुत बहुत बोरिंग मूवमेंट दिया था, उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं दिया था एक्सपायरी के डे में। क्या एक रेंज में फंस गया था, ब्रेकडाउन का इशारा दिया, फिर से यहाँ पे रिवर्सल करके बेयर ट्रैप बना के सबको फंसा दिया। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके निफ्टी क्लोजिंग तो किया, एक गैप अप हल्का दिया, उसके बाद फिर से ऊपर नीचे फ्राइडे के वोलेटिलिटी सेशन बना रहा कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे बहुत सारा स्विंग किया कि ज्यादा मूवमेंट किया और उसके बाद प्रीमियम को एरेस्ट करना। प्रीमियम इरोजन फ्राइडे मार्केट का एक सिंबल रहता है, देयर विल बी फ्राइडे मार्केट विथ प्रीमियम इरोजन आइडिया। ओके, बिकॉज ओपनिंग इटसेल्फ प्रीमियम विल बी वेरी हाई, हाई होता है ओपनिंग में प्रीमियम, उसको काट के चलता है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके निफ्टी ने वर्क किया है। लास्ट में एक मोमेंटम आया है, कंसोलिडेशन कह सकते हैं या थोड़ा सा बाइंग निफ्टी में चला है। सो ऑप्शन चेन में निफ्टी में हमारा क्या हाल है ये हम देख सकते हैं, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम बात करेंगे।
सो ऑप्शन चेन में क्या डेटा है, निफ्टी में देख लेते हैं कि इन द मनी आउट द मनी में क्या क्या बिल्डअप हुआ है। सो 15,617 क्लोज हुआ है। सो 15,670 के करीब क्लोज होने के कारण 15,650 यहाँ पे इन द मनी दिखा रहा है। उसके ऊपर 18,900 ओपन इंटरेस्ट है, 15,800 ओपन इंटरेस्ट है और 20,400 ओपन इंटरेस्ट है, 15,700, 750 और 800 रेस्पेक्टिवली। बहुत बढ़िया कॉल रेटिंग हुआ है निफ्टी में भी, क्या कॉल रेटर्स ज्यादा बेटर हुआ है कि प्रेशर डालते हुए मार्केट के ऊपर रेजिस्टेंस ज्यादा बना के रखा है। उसके मुकाबले में 15,650 में या 15,600 में या 15,550 में उतना ज्यादा कॉल रेटिंग नहीं हुआ है, लेकिन 13,182 ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 15,500 में बन रहा है। तो मार्केट में ओपनिंग ही ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करके उसके बाद नीचे जाने का ज्यादा चांसेस है। ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट हम देख सकते हैं, उसके बाद डायरेक्शन हमको पता चलेगा। अगर ग्लोबल क्यूज के कारण मार्केट ऊपर चलने लगा तो ये ऑप्शन चेन का डेटा फास्ट चेंज होगा, यहाँ पे अनवाइंडिंग शुरू होगा कॉल रेटिंग का, सब भाग जाएगा यहाँ पे, कॉल रेटर्स पुट रेटर्स यहाँ पे बढ़ जाएगा, मार्केट को सपोर्ट मिलेगा और मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसा सिनेरियो भी बन सकता है कोई ग्लोबल न्यूज अच्छा हो या यहाँ पे भारत में उतना बुरा न्यूज या नेगेटिव न्यूज ना हो। ओके ठीक है। सो कल का सपोर्ट रेजिस्टेंस किधर होगा हम ढूंढ लेते हैं कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकता है। क्या पिछले दिन का हाई करीब करीब यहाँ पे 35,800 तक गया है, मार्केट नीचे आया है, यहाँ से फिर से एक सपोर्ट आके 35,700 ये करीब करीब राउंड फिगर का सपोर्ट बना के जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, स्ट्रांग सपोर्ट है 35,578 के ऊपर अगर निकल गया तो बैंक निफ्टी 35,800 तक जा सकता है आसानी से, लेकिन यहाँ पे ज्यादा आपको रेजिस्टेंस 35,500 में भी देख सकते हैं। उसके बाद 35,461 का एक रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। उसके बाद आप सपोर्ट ढूंढ के चलिए कि सपोर्ट किधर किधर मिलेगा। यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा आपको 35,254 कल का, और उससे नीचे अगर जाएगा तो 35,100 या 35,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ पे भी वाई बिल्डअप ज्यादा है कि मजबूत सपोर्ट माना जाता है। ये लेवल्स को आप नोट करके अपना ट्रेडिंग सेटअप कल बना सकते हैं। निफ्टी में भी हम ढूंढ लेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, कि पहला रेजिस्टेंस आपको निकलते ही 15,732 ये लेवल पे आपको मिल जाएगा एक रेजिस्टेंस, या इससे ज्यादा 750 तक जा सकता है। ओके मार्क कर देते हैं उसको फर्स्ट रेजिस्टेंस, पिछले दिन का हाई करीब करीब वहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 15,700 एक बढ़िया रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। उसके बाद नियरेस्ट सपोर्ट जो बनता है वो रेजिस्टेंस के बाद एक नियरेस्ट सपोर्ट हमको दिख रहा है, यहाँ पे राउंड फिगर दिखता है 15,650 एक सपोर्ट दिखता है, और यहाँ पे ये एक सपोर्ट आपको बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे 15,620 का लेवल में। अगर यहाँ पे मार्केट ब्रेक डाउन होके 15,600 को ब्रेक करके नीचे चलता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट है आपको करीब करीब ये जोन में 15,585-590 ये जोन में भी आपको थोड़ा सपोर्ट है। उससे नीचे आपको डायरेक्टली 15,550 तक मार्केट आ सकता है। उससे भी नीचे अगर आप सोच सकते हैं तो यहाँ कहीं पे मार्केट 15,010 जो पिछले हमारा रेजिस्टेंस था या सपोर्ट था वहाँ तक मार्केट चल सकता है। ये सब आपके लिए कल का एक ट्रेडिंग सेटअप बनाने एक डायरेक्शन दे सकता है। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और हमारा वीडियो को शेयर करके दोस्तों के बारे में हमारा बारे में बता दीजिए, और हमारा जो एक सिखाने का एक कोर्स बनाया जा रहा है उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो हमें मैसेज कीजिए, और उस कोर्स में क्या क्या इंक्लूड करना चाहते हैं आप ये हमें बता दीजिए, एक बढ़िया कोर्स ला के आपके सामने रख सकते हैं हम। धन्यवाद दोस्तों।